हेलो एवरीवन, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो है सेकंड कट ऑफ में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर। सो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने बेस्ट फोर के परसेंटेज कैलकुलेट कर लेने चाहिए, ठीक है। एंड आपको अपना कॉलेज भी चूज़ कर लेना चाहिए, तो इससे पहले आपको कट ऑफ देखनी है। सो सबसे पहले DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सेकंड कट ऑफ रिलीज़ होगी, सो आपको कट ऑफ कैसे देखना है उसके बारे में पता होना चाहिए आप सभी न्यू व्यूवर्स को। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ के लिए अलग वेबसाइट है, एंड आपको एडमिशन पोर्टल पर जाने के लिए अलग वेबसाइट है, ठीक है। दोनों वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ID। एंड आपको अगर जो DU एडमिशन्स के अपडेट्स होते हैं वो हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स जो कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए, कट ऑफ को देखने के लिए आपको DU.EC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट, DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। एंड नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड कट ऑफ रिलीज़ होगी तो आप देख लेंगे, ठीक है। 9th of October मॉर्निंग 10 AM के अराउंड जो है रिलीज़ हो जाएगी सेकंड कट ऑफ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लेंगे। एंड अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं डायरेक्टली वहाँ PDF फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आप कट ऑफ डाउनलोड करेंगे इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट से, और इस वेबसाइट से आपको जो है आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अप्लाई करना है। तो किस तरीके से आपको करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक जैसे ही आप आएंगे, वैसे तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ कि बेसिकली ये दोनों जो वेबसाइट ही अलग है, ये एडमिशन्स के लिए है, UG एडमिशन इस पोर्टल का आप देख सकते हैं, admissions.UOD.AC.IN, और ये है DU.AC.IN, ठीक है। यहाँ से आपको आना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिख जाएगा, हैं। सो UG एडमिशन पोर्टल 2021 पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ नया डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है, ठीक है, तो आपको इसमें भर के फिल करके एंड आपको क्या करना है, कैप्चर जो है वो टैक्स करना है एंड लॉगिन कर देना है। लॉगिन आप जैसे ही करेंगे सो आपको एक नया डैशबोर्ड फिर दोबारा खुलेगा, एंड वहाँ पर आपको जो है आपको क्या करना है, आपके अपने कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो, एंड आपको अपना पर्टिकुलर एक कोर्स, तो कोर्स एंड कॉलेज दोनों चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी नीड है डॉक्यूमेंट्स की, 10th क्लास के सर्टिफिकेट, 12th क्लास अगर आपके पास माइग्रेशन है, माइग्रेशन एंड SC ST OBC कैटेगरी कोई सर्टिफिकेट है सो वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ECA का सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपलोड करने हैं, मतलब जो भी अवेलेबल सर्टिफिकेट्स हैं आप सभी स्टूडेंट्स के पास वो सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको फिर आपको ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे सो आपके डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हो जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर, पर्टिकुलर जब जिस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो शो करेगा न्यू एप्लीकेशन। सो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, न्यू एप्लीकेशन आएगा थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो चेंज हो जाएगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस, और चेंज होके फिर आएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन स्टेटस बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है, बिल्कुल भी कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका पर्टिकुलर एक स्मूथली एडमिशन प्रोसेस चल रहा है DU के अंदर, और एकदम आसान से आसान मतलब तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के और सारे सभी प्रोफेसर इस पे लगे हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट होती है। सो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होती है स्टूडेंट्स की DU के प्रोफेसर्स द्वारा, न्यू एप्लीकेशन से लेकर और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड से लेकर, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, अपने आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करते रहना है, और ट्रैक करने के लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट जो है उसमें लॉगिन होना चाहिए। जीमेल लॉगिन करेंगे सो आपको यूनिवर्सिटी जो है ईमेल के थ्रू सारे नोटिफिकेशंस आपके एप्लीकेशन स्टेटस
सारी स्टेटस जो है वो सेंड करती रहेगी। तो आपको ईमेल अकाउंट जो है आपका वो आपको चेक करते रहना है। सबसे पहले आपका न्यू एप्लीकेशन आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय कन्वीनर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल आएगा। आपके अगर आपके OBC सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आती है सो आपको कॉलेज रिमार्क्स में लिखा होगा ये दिक्कत है, ठीक है, पर्टिकुलर जो कॉलेज रिमार्क्स में बोला गया है उसको आपको मानना है। फिर उसके बाद कोई भी अगर आपकी दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय कन्वीनर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल आएगा एंड अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, लास्ट में अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल आता है। अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल होने के बाद जो है आपका जो है ऑटोमेटिक कहीं भी आपको कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और तो उसके बाद जो है अप्रूव बाय प्रिंसिपल के बाद आपका फीस पेमेंट उसी पोर्टल पे, ठीक है, जिस पोर्टल पे आपने अप्लाई किया था उसी पोर्टल पे, यानी कि इस वाले पोर्टल पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और फीस पेमेंट करते ही जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। एंड देन बेस्ट ऑफ लक ऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पायरेंट्स 2021-22। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, देन यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। So, thank you for watching this video.